मंदिर कार्यशाला में पूर्णिमा कोठाई पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज मेरे भाइयों का बलिदान सार्थक हो गया। वहीं बताया कि अगर मुझे पहले से ही पता होता कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है तो मैं पहले से ही अयोध्या पहुंचकर रामलला के दरबार में होती। मैं अयोध्या अपने भाइयों के शहीद होने के बाद से ही प्रत्येक वर्ष राम मंदिर की आज के लिए अयोध्या आती रही हूँ। आज मनोकामना पूर्ण हुई। कार्यशाला में रखे पत्थरों को देखकर अनुभूति होती है कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। वहीं बताया कि राम मंदिर के लिए पिछले 491 वर्षों से राम भक्त अपना बलिदान दिए हैं। आज उस संघर्ष को विराम मिला है। बहुत कुछ अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिला है। वहीं सरकार से मांग करते हुए कहा कि संघर्ष गाथा में आज तक जितने भी बलिदान हुए हैं राम भक्त हैं उनकी स्मृति में एक संग्रहालय में स्मृति स्मारक बने ताकि आने वाली पीढ़ियों में भी याद किया जाए। आज से 29 वर्ष पूर्व जो घटना हुई शायद आज की पीढ़ी उसे नहीं जानती, लेकिन आज जब फैसला आए तो इससे जरूर नई पीढ़ी के लोगों को जानने की इच्छा होगी और जब भी मंदिर का निर्माण होने के बाद जरूर नई पीढ़ी के लोग भी दर्शन करना पसंद करेंगे। तो ऐसे में यदि संग्रहालय बनता है तो नई पीढ़ियों को भी उन बलिदानों की याद दिलाती रहेगी, इसलिए इसके निर्माण को लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। वहीं होने वाली राम मंदिर निर्माण को लेकर इच्छा प्रकट किया कि जिस कार्य के लिए हमारे भाइयों ने अपना बलिदान दिया है यदि वह राम मंदिर निर्माण का कार्य मैं अपने हाथों से कर सकूं यह मेरा सौभाग्य होगा और मेरी इच्छा भी है। अयोध्या में 2 नवंबर 1990 में जब कार सेवा में दो बंधु शहीद हुए थे, राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। आज आपका अयोध्या आना हुआ है, इस दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो राम मंदिर का मुद्दा था उसे फैसला आ गया है, क्या अनुभूति कर रही हैं आप अयोध्या में आकर और क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं बहुत सुखद अनुभूति कर रही हूँ, मेरे भाइयों का बलिदान सार्थक हो गया। और आपको अपने मन की इच्छा बताऊं तो जिस दिन फैसला आना है अगर वो पहले से पता होता तो शायद मैं यहाँ पर रामलला के मंदिर में रहना पसंद करती हूँ, उसे यहीं रह के उस फैसले को सुनती हैं। आज आप आई हैं यहाँ पे कार्यशाला, पत्थरों को भी दिखा गया किसी से राम मंदिर का भी निर्माण होना जी, बिल्कुल किस क्या देखा और जो तराशी का काम हो उसको किस तरह से मानते हैं देखते हैं? हम पिछले 29 वर्षों से यहाँ लगातार आ रहे हैं और जब से ये कार्यशाला बनी है तब से हम यहाँ के दर्शन करके हर बार जब भी आते हैं तब हम यहाँ के दर्शन करके ही जाते हैं और मंदिर निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो ऐसी मन में इच्छा लेके जाते थे। चलो इतने पत्थर हो गए हैं अब जब मंदिर बनेगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। आज कार्यशाला में आए हैं और इतने सालों के बाद अब लग रहा है कि जल्दी से मंदिर बनने वाला है तो लग रहा है कि ये पत्थर जो कमी रह गई है जो बच गए हैं, जैसा मैंने सुना कि अभी 65% ही बना है तो लग रहा है कि वो बाकी 35% है वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाए और ये मंदिर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। लेकिन मुझसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि आप यहीं के निवासी हैं तो आप लोग जानते हैं कि राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए पिछले 491 वर्षों से हिंदू अपना बलिदान और त्याग किए जा रहे थे, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। आज उस संघर्ष को विराम मिला है और एक बहुत अच्छा फैसला आया है जब यहाँ राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा, ऐसा एक जब फैसला हमारे सामने आया है तो मैं तो ये चाहूँगी कि आज तक जितने भी बलिदान हुए हैं वो उनकी जो संघर्ष गाथा है वो जरूर एक संग्रहालय या एक स्मृति स्मारक कुछ बना के और वो लोगों के सामने आने वाली पीढ़ियों के सामने वो हमेशा बनी रहे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आज से 29 साल पहले जो हुआ था आज की नई पीढ़ी उसको शायद नहीं जानती है, जो उसके बाद में जन्मे हैं वो नहीं जान रहे थे, किंतु आज जब फैसला आया और फिर से राम मंदिर पर इतनी बड़ी खबर चल रही है पूरे चैनलों में आप लोगों के माध्यम से, उस समय वो नई पीढ़ी थोड़ा बहुत उससे रिलेट कर रही है। पर अगर वो संग्रहालय बनता है तो देखिए कभी ना कभी जीवन में हर हिंदू चाहेगा कि वो मंदिर के दर्शन करने आए और वो संग्रहालय जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि संग्रहालय ये जो कार्यशाला है इसमें भी पिछले कई वर्षों से जब से ये बना है तब से यहाँ लगातार दर्शनार्थी आते हैं दर्शन के लिए, तो मंदिर में भी जाएंगे और मंदिर से जुड़े इतिहास को जरूर लोगों तक पहुँचना चाहिए और वो संग्रहालय या स्मृति स्मारक इसके द्वारा पहुँचेगा, ऐसा सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए मुझे।